हरिद्वार के प्रसाद को 25 बार बुला लिया। ये आप मेरे, मैं जब कुछ कहता हूँ तो आपका नाम ले लेते हैं, बिठाने का काम करते हैं। मैं तो वो भी क्लियर कर दूं, मैंने फरीदाबाद में अच्छे प्रशासन के रखा है, किसी भी झुग्गी वाले को, रेडी वाले को तब तक नहीं हटाना जब तक उनके लिए जगह नहीं मिलती। मैं इस मत का हूँ, गरीब आदमी सुबह शाम तक कमाता है भाई, और अपना परिवार चलाता है, उसे हम सड़क पे भेज दें, हटा दो फिर उसके बाद। कोई गरीब आदमी पैसा कमाए समझ में आता है, कोई करोड़पति आदमी सरकारी जमीन पे पैसे कमाए तो उसे हटाओ, उसे हटाओ। आप जाके अभी चलते हैं, अधिकारी करने दे रहे हैं, कभी इनको आने का मतलब आज नया साल है, किसी के बारे में कुछ ही बोलना, नया साल खुश। विधायक जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं और मंत्री जी विधायक की बात सुनना तो दूर, बार बार बातों को काट रहे हैं। विधायक जी मंत्री को कह रहे हैं कि सर मेरी बात तो सुनिए, कृष्णपाल जी प्लीज एक बार सुन तो लीजिए। और अपना परिवार चलाता है, उसे हम सड़क पे भेज दें, आइडेंटिफाई करो ना, हटा दो फिर उसके बाद। सुन तो लो मेरी बात, कोई गरीब आदमी पैसा कमाए समझ में आता है, कोई करोड़पति आदमी सरकारी जमीन पे पैसे कमाए तो उसे हटाओ, उसे हटाओ। आप जाके अभी चलते हैं, एक बूथ है, उस बूथ वाले ने 10 लाख रुपए मैंने कमाई कर रहा है, सरकारी जमीन से कमाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, उसको हम करने दे रहे हैं, अधिकारी करने दे रहे हैं, कभी इनको आने का मतलब। आज नया साल है, आज इस पे चर्चा जाने का, किसी के बारे में कुछ ही बोलना, आज नया साल खुश। ये वीडियो है फरीदाबाद की, जहां अवैध कब्जों के मसले पर विधायक नरेंद्र गुप्ता और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर आमने सामने हो गए। दरअसल मामला फरीदाबाद के सेक्टर 15 मार्केट में नगर निगम के द्वारा बनाए गए वेंडिंग जोन का है। विधायक नरेंद्र गुप्ता ने मुख्यमंत्री के आदेश पर वेंडिंग जोन को शिफ्ट करने और मार्केट के दुकानदारों को हो रही समस्याओं को लेकर जब केंद्रीय मंत्री के सामने दुकानदारों का पक्ष रखा तो मंत्री जी ने विधायक की बात काट दी। सिर्फ इतना ही नहीं, जब कृष्णपाल घिरने लगे तो नए साल का बहाना बनाकर मंत्री जी मौके से निकल गए। ये पूरा वीडियो देखिए। तीस 28 रेडियो को हमने सर्टिफिकेट दिया, हम 28 को नहीं हटाना चाहते, पर 28 का ब्रांडिंग जोन बनाने का मतलब ये है, द्वार का प्रसाद को 25 बार बुला लिया। ये आप मेरे, मैं जब कुछ कहता हूँ तो आपका नाम ले लेते हैं, बिठाने का काम करते हैं। मैं तो वो भी क्लियर कर दूँ, मैंने फरीदाबाद में अच्छे प्रशासन के रखा है, किसी भी झुग्गी वाले को, रेडी वाले को तब तक नहीं हटाना जब तक उनके लिए जगह नहीं मिलती। मैं इस मत का हूँ, गरीब आदमी सुबह शाम तक कमाता है भाई, और अपना परिवार चलाता है, उसे हम सड़क पे भेज आइडेंटिफाई करो ना, हटा दो फिर उसके बाद। कोई गरीब आदमी पैसा कमाए समझ में आता है, कोई करोड़पति आदमी सरकारी जमीन पे पैसे कमाए तो उसे हटाओ, उसे हटाओ। आप जाके अभी चलते हैं, एक बूथ है, उस बूथ वाले ने 10 लाख रुपए मैंने कमाई कर रहा है, सरकारी जमीन से कमाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, उसको हम करने दे रहे हैं, या अधिकारी करने दे रहे हैं, कभी इनको आने का मतलब। आज नया साल है, आज इस पे चर्चा जाने का, किसी के बारे में कुछ ही बोलना, आज नया साल खुश। वहीं जब मीडिया ने केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से इस मामले पर पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री ने इस मामले में कोई आदेश दिया है तो उसकी पालना होगी। हालांकि इन आदेशों की पालना कब तक होगी, इस पर मंत्री जी ने बिना कोई स्पष्ट जवाब दिए निकल गए। के पास है सर, सेक्टर 15 में हम खड़े हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि जो वेंडिंग जोन है उसको यहाँ से 12 सेक्टर शिफ्ट किया जाए, लेकिन अभी तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। दुकानदार मार्केट एसोसिएशन परेशान है, तो नए साल पर कोई नई उम्मीद लेकर देकर जाएंगे। पूजा जी, आपने कहा अगर मुख्यमंत्री जी ने कोई घोषणा की है तो निश्चित तौर पर वो पूरी होगी। 20 जनवरी को करी थी मंत्री जी, कई बार मैं आपसे मिला भी उसमें, 20 जनवरी को करी थी, और उस टाइम इनको सेक्टर 12 में बोला था हटाने के लिए, 23 रेडी यहाँ पर लगनी चाहिए और 80 रेडियाँ लगी हुई है। तो हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, हम बहुत समस्या हमारे लिए है। देखिए, इनकी वाजिब समस्या है, और फिर देखिए मुख्यमंत्री रेगुलर चलान कट रहे हैं, पूरा जाम होता है। विधायक जी से कई बार हम मिल लिए, आपसे मिल लिए, हमारी कोई सुनवाई नहीं है सर।
हम इतने कोई बात नहीं है, इस बार अगर मुख्यमंत्री की घोषणा तो पूरी निश्चित तौर पे होगी सर। कोई समय सीमा, बड़ी कोई घोषणा समय सीमा देकर जाएंगे कि देखिए अब अभी मैं आज नए साल में कोई ऐसी बात करूं मैडम, लेकिन देखिए आज नए साल पे कोई ना ऐसी बात मैं कहने वाला हूँ, लेकिन इनकी समस्या है तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा तो समाधान होगा सर। एक साल होने को हो गया मंत्री जी, एक साल। मंत्री जी के जाने के बाद मौके पर मौजूद विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि जो अधिकारी मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना करेंगे वो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर जाने के लिए तैयार रहें। देखिए अधिकारियों को मैं आज वैसे नव वर्ष पे आपने कोई क्वेश्चन पूछा है, अगर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कोई वायदा किया है और कोई अधिकारी आना जाना नहीं करता है तो उस अधिकारी का बोरिया बिस्तर बंधवा के उसको सही स्थान पर पहुँचवा देंगे। अगर कोई ऐसी घोषणा हुई है 25 तारीख की जो आप बोल रहे हैं मेरी संज्ञान में नहीं है, 25 जनवरी 2023 की कोई घोषणा है तो मुझे बता दें, मैं उसको पूर्ण करने की पूरी। वही मार्केट एसओ के प्रधान आलोक कुमार ने कहा कि इस मामले में कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, जितनी दुकानें अलॉट की थीं उससे कई गुना अवैध रूप से चल रही हैं। नगर निगम अधिकारी सब कुछ जानते हैं फिर भी कोई संज्ञान नहीं ले रहे। मैडम हम ना 20 जनवरी को सीएम साहब के सामने पेश हुए थे, आप पिछले हम 5 साल से फाइट कर रहे हैं, एक वेंडर जोन में लगा हुआ मार्केट में, वो हमारी पार्किंग के ऊपर बना हुआ है जो जिसमें 80 गाड़ियां लगभग पार्किंग होती थी पहले, तो 27 रेड़ी यहां पर लगाई थी वेंडर जोन में, आज वो 80 लगी हुई है। इस 27 में से भी 4 जो रेड़ी हैं वो एमसीएफ ने कैंसिल कर दी थी, पेपरों के ऊपर कैंसिल हो गई, और जबकि स्पॉट पे यही है अभी तक और वो किराए पे दे रखी है। हम ये चाह रहे हैं कि डेली हमारा यहाँ पर चलान कटता है, पार्किंग की समस्या रहती है, जाम लगते हैं, और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं है, आम कस्टमर जो है वो मार्केट में अवॉइड करता है आने के लिए। हमारी ये करोड़ों रुपए की दुकानें मार्केट में करोड़ों रुपए की दुकानें हैं और इन दुकानों के ऊपर आपने रेडी पटरी का जो सिस्टम बना दिया, बहुत हमारे को मतलब बहुत परेशान है इससे, आम आदमी इतना परेशान है, रेगुलर उसकी कंप्लेंट्स आती है हमारे। तो क्या कारण है कि हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास मिले थे, उस वहाँ हमारा केस नंबर लगा था 197 मेरा जनता दरबार में 20 जनवरी को, तो उन्होंने उस टाइम ही इसके ऊपर बोल दिया इसको सेक्टर 12 में शिफ्ट किया जाए, जो 23 रेडी है, इसके अलावा भी कोई रेडी होगी सेक्टर 12 में जो आपका खेल परिषद है उसके सामने जगह है या झूले लगे हुए हैं वहाँ पर, वहाँ हट जाए वो, तो वहाँ लगना चाहिए। तो लेकिन उसके बाद भी हम रेगुलर जो है जॉइंट कमिश्नर मैडम से मिले, द्वारका प्रधान जी हैं जो मेन इसको देख रहे हैं, उनसे कई बार रिक्वेस्ट करी, वो आए भी हैं, रेडी पटरी वालों को जगह भी दिखाई कि तुमने यहाँ शिफ्ट करना है, लेकिन उसके बाद भी वो कोई नतीजा नहीं रहा, हल नहीं निकल रहा उस चीज़ का। मंत्री जी से हम 2-3 बार मिल लिए, डीसी साहब से मिल लिए, कमिश्नर साहब से मिल लिए, मतलब इतना हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस भी हो गया, इतना टाइम। कारण क्या है आलोक जी कि इतने सब लोगों से आप मिल लिए, मुख्यमंत्री ने कह दिया तो फिर क्यों नहीं हटाया? मैडम देखो आपके सामने अभी किशनपाल जी ने भी यही बात बोली जी हम इस पे करवाते हैं, जब हमने उन्होंने जगह भी हमने उनको दिखा दी, हम ये नहीं कहते कि उनकी रोजी रोटी खत्म हो, लेकिन हमें जो प्रॉब्लम हो रही है हमारी जो मार्केट के आम कस्टमर आने से उनके चलान कटते हैं, रेगुलर चलान कट रहे हैं, तो उसकी समस्या को लो तो इनको सॉल्यूशन करना चाहिए। मतलब पार्किंग की जगह में आप रेडी पटरी नहीं लगा सकते हो, रेडी पटरी के लिए आप जगह कुछ और ढूंढो, इतनी पॉश मार्केट है इसको बिल्कुल जीरो कर दिया। एक्चुअली पाई ही नहीं है यहाँ पे, जो जेन्युइन कस्टमर जो बड़ा कस्टमर जिसको हम पोस्ट कॉलोनी के हिसाब से मार्केट हमारी डेवलप हो रही है, इसको हम जीके बोलते हैं, कभी डिफेंस कॉलोनी बोलते हैं, उस लेवल का कस्टमर यहाँ रुकता ही नहीं, उसको पार्किंग मिलती ही नहीं है, वो सीधा दिल्ली निकल जाता है। तो जिसको बड़ा कस्टमर जिसको हम चाहते हैं कि यहाँ स्टे करे और प्रॉपर यहाँ पे अपनी शॉपिंग करे, इस तरह का कस्टमर बहुत ज़्यादा ऐसा कम होता चला जा रहा है हमारे साथ। हम बाकी रेडी पटरी वालों को हम ये नहीं चाहते इनको हम हटा दें या उनका रोजी रोटी खत्म हो जाए, हम कहते हैं इसको कहीं और जगह कराओ। अब देखना होगा कि ये मसला कब तक सुलझ पाता है और दुकानदारों की समस्याओं का कब तक समाधान हो पाता है, लेकिन जिस तरीके से कृष्णपाल गुर्जर और नरेंद्र गुप्ता आपस में उलझे ये तो चर्चा का विषय बन गया। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।